Hello, good evening everybody, and warm welcome to the world of ELETS webinars. As you all know that from last more than 100 years, we all are experiencing social distancing and fighting along with the world with this corona pandemic. And everybody is contributing its bit, and the same we are doing what we are always doing, connecting people and promoting innovations in these times of COVID-19 pandemic. By more than 150 virtual events, conferences and webinars, we have actually touched upon the people working on the grounds to fight with this COVID-19 crisis. And today, we are very, very happy and honored that one of those champions is with us. We have a senior IAS of Rajasthan, Additional Chief Secretary for Medical, Health and Family Welfare, Shri Rohit Kumar Singh Ji with us. Welcome, sir. Thank you very much. जब आप राजस्थान की बात करते हैं और जब पूरा देश दुनिया राजस्थान को सराहती है कि हमारे टेस्ट देश में सबसे ज्यादा टेस्ट में से एक हमारे टेस्ट है, रिकवरी रेट राजस्थान की सबसे ज्यादा भारत में स्टेट्स में गिनी जाती है, और कई पैरामीटर्स पे जब आज कोविड से जंग में राजस्थान आगे चल रहा है और लगातार लड़ रहा है, उसके पीछे बहुत मजबूत हाथ है श्री रोहित कुमार सिंह जी का, और हम बहुत बहुत आदर के साथ उनका सत्कार करते हैं, वेलकम करते हैं आज के इस वेबिनार में. आई वेलकम ऑल द ऑडियंस, एंड टू मॉडरेट दिस डिस्कशन विद श्री रोहित कुमार सिंह जी, वी हैव डॉक्टर रवि गुप्ता, founder and CEO of ELETS Technomedia, who will be discussing on various aspects with Shri Rohit Kumar Singh about the Rajasthan's setting benchmarks in the fight against COVID-19. Over to you, Dr. Ravi Gupta. Sure. बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक, और बहुत बहुत स्वागत है रोहित कुमार सिंह जी का इस कार्यक्रम में. और जैसा कि हम इन ऑडियंस को मालूम है, ELETS एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 17 सालों से वी हैव बीन स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ इनोवेशंस, एंड वी हैव बीन पब्लिशिंग ए मैगजीन कॉल ई हेल्थ, ए मैगजीन कॉल ई गवर्नेंस, एंड टुडेज सब्जेक्ट एक्चुअली एसिमिलेट्स द बोथ द सब्जेक्ट्स. इट इज अबाउट गवर्नेंस एंड इट इज अबाउट हेल्थ. सो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट रोहित कुमार जी टू प्लीज टेल अस about the COVID situation right now in the state of Rajasthan. We are every day as citizens looking at TV, and we are seeing the numbers increasing every day all over the country, and numbers have been dramatically rising. So how is the state of Rajasthan dealing with the situation? Rohit, please. सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और ELETS को धन्यवाद कि आपने ये वेबिनार आयोजित किया. राजस्थान में अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है. अगर नंबर्स की बात करें तो अभी तक लगभग आज दोपहर तक 12,186 केसेस पॉजिटिव आए हैं, बट इस नंबर को हमें एक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा क्योंकि ये कुल संख्या है. जब पहला केस हमारा आया था 2 मार्च को, तब से लेकर अब तक ये केस आए हैं, पर एक जो सबसे बड़ी इसमें बात है कि इसमें से 9,175 लोग ठीक हो गए हैं. तो जो कुल संख्या है 12,000 प्लस, उसमें से 9,000 प्लस लोग ठीक हो गए हैं. तो जो हमारे लिए चिंता की बात है, जो हमारे लिए एज हेल्थ सेक्रेटरी मैनेज करने का नंबर है, वो है एक्टिव केसेस की. इस समय राजस्थान में कितने केसेस हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो और अभी हमारे इंस्टीट्यूशंस में या अपने घर पर रिकवर हो रहे हैं, वो संख्या है 2736. तो 2736 है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू ये पिछले 12 दिनों से ये संख्या 3,000 से नीचे है. ये 27-28 ये बीच में उसी रेंज में रहती है, और ये पूरी मैनेजेबल संख्या है. और इसमें क्योंकि कई हम देखते हैं दिल्ली मुंबई में ये बात हो रही है कि जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चैलेंजेस आ गए हैं, बेड्स नहीं अवेलेबल हैं. मैं आपके माध्यम से ये अश्योर करना चाहूंगा कि हमारे 2700 पेशेंट्स के मुकाबले जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो 44,000 के लगभग है, 44,000. और हमारे 407 अस्पताल हैं तीनों लेयर्स के मिला के, जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल से लेके कोविड केयर सेंटर तक, और उसमें ऑक्सीजन के बेड्स हैं 8,000 से ज्यादा, आईसीयू बेड्स हैं 1,600 से ज्यादा, और वेंटिलेटर्स हैं लगभग 900. तो हम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, और
ऐसी अगर हमारा एकदम से भगवान ना करे ये 10 गुना भी बढ़ जाए एंड आई एम टॉकिंग ऑफ एक्टिव केसेस दैट रिक्वायर मेडिकल मैनेजमेंट, तब भी हम इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तो पर ऐसा नहीं है कि हम कॉम्प्लेसेंट हैं, हम स्थिति पर रोज नजर रखते हैं, हम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज रोज इस चीज को मॉनिटर करते हैं कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने एक्टिव हैं, और वहाँ लोकल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पे, द हाईएस्ट लेवल एट द लेवल ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, दिस इज मॉनिटर्ड एवरी डे। आई वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड दैट माई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज मॉनिटरिंग इट एवरी डे, समटाइम्स मोर देन वंस अ डे। सो once you know it is monitored at such a high level, at the level of honorable chief minister, health minister, then we are more than ready always, because we know that you know we've been you know watched and monitored, plus it is also our responsibility to keep systems ready to face any eventuality. So ek jo hamara hashtag hai wo ye bhi hai ki Rajasthan satark hai, aur hum uski jo puri bhavna hai uske piche usi se ji jaan se isme jute hue hain. Aur जैसा कि कुछ शायद ध्यान भी होगा, हमारा पहला केस 2 मार्च को आया था, तो अब लगभग 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं उस बात को, पर फिर भी हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है, हमारी सतर्कता के लेवल में ऐसा कोई फटीग नहीं है। हालांकि हमारी टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है, मेरे 1.5 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मी सारे जुटे हुए हैं, उन्होंने अपनी काफी रिस्क लिया है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है, कुछ उनमें से पॉजिटिव भी हुए हैं, कुछ ठीक भी हो गए हैं, पर हमने उनका मोराल बहुत हाई रखा हुआ है और हम उनको रोज लगातार कहते रहते हैं हम आपके साथ हैं, कोई भी आपकी समस्या हो। और एक जो चीज है जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हम इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं, हम राजस्थान का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस मौके पर उसको ऑगमेंट कर रहे हैं। और हमने जैसे उदाहरण तौर पे मेरे सारे जिला अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की पाइप सप्लाई उपलब्ध है, ये चीज हमने पिछले 45 दिनों में चैलेंज कर ली है, तो अब और सारे में ऑक्सीजन जनरेटर्स भी लग गए हैं। तो 1 जुलाई से जितने भी राजस्थान के जिला अस्पताल हैं उसमें ऑक्सीजन की पाइप सप्लाई उपलब्ध होगी, तो मेरे ख्याल से हमारे परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से हम और भी काम कर रहे हैं, हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, ICUs, वेंटिलेटर्स, ताकि किसी भी आपात स्थिति में न सिर्फ कोरोना बल्कि भविष्य में भी हेल्थ का अगर कोई बड़ा चैलेंज आता है सामान्य परिस्थितियों में भी, तो उससे हम निपटने के लिए तैयार हैं। ये बहुत ही रीअश्योरिंग है कि नंबर्स कंट्रोल में है, नंबर्स ड्रामेटिकली इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और रिकवरी रेट भी अच्छी है। एक जो मेजर एक टॉपिक आज के दिन जो डिस्कस हो रहा है वो है टेस्टिंग। कुछ स्टेट्स कह रहे हैं कि टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि उतनी नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में राजस्थान की स्ट्रेटजी क्या रही? देखिए, राजस्थान की शुरू से स्ट्रेटजी रही है कि टेस्ट हमको ज्यादा करनी चाहिए। मैं उसके पीछे की जो भावना है, जो कारण है, वो भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। सी, अनलेस यू टेस्ट यू विल नॉट बी एबल टू यू नो असेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या कितनी बड़ी है, कितनी गंभीर है, आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे। तो जिस दिन हमारा पहला इटालियन टूरिस्ट पॉजिटिव आया था 2 मार्च को, उस दिन हमारे राज्य में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता 0 थी, एक भी जगह नहीं थी कि जहां पे कोरोना का टेस्ट जो RT-PCR टेस्ट है वो हो सके। वो हमें याद है कि उस समय हमने हवाई जहाज से सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना भेजा था और वहां से रिपोर्ट आई थी, तो हमारी डिपेंडेंसी बाहर की एजेंसियों पर थी। वो दिन और आज का दिन स्थिति में एकदम परिवर्तन आमूल चूल आ गया है। आज टुडे आई कैन टेस्ट 25,000 सैंपल्स एवरी डे। राजस्थान में 21 स्थानों पर टेस्ट हो रहा है, जिसमें हमारे 14 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जोधपुर का एम्स है, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर है जोधपुर में, और इस तरह से 21 स्थानों पर, जिसमें से 3 प्राइवेट है और बाकी सरकारी है, हम राजस्थान में टेस्ट कर सकते हैं। तो जितना हम टेस्ट कर रहे हैं लगभग 14-15 हजार एवरी डे, उससे ज्यादा कैपेसिटी है। और जो बचे हुए मेरे 33 जिले हैं, उसमें बाकी जो बचे हुए जिले हैं उनमें हम ट्रूनेट मशीन के माध्यम से अगले 15 दिन में वहां भी उपलब्ध करा देंगे। तो भविष्य में अगर कोई ऐसी आपात स्थिति मेडिकल की आती है, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया या इस तरह के कोई भी
वो तो खैर वेक्टर बॉर्न डिजीज है, बट स्वाइन फ्लू या अदर कोई इस तरह की डिजीज का कोई आउटब्रेक होता है तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोकल लेवल पे टेस्टिंग हमेशा उपलब्ध हो। तो ये भी जैसे मैंने पहले आपको निवेदन किया था, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि टेस्टिंग की फैसिलिटी पूरे राज्य में उपलब्ध होना। हमारे राज्य जैसा आपको पता है वो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया वी आर द लार्जेस्ट। तो हमारे चैलेंजेस रहते हैं सर्विस डिलीवरी में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, बिकॉज वी हैव टू रीच यू नो फार डिस्टेंसेस टू डिलीवर सर्विसेज टू पीपल। तो उसी परिपेक्ष में, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम चाहते हैं कि सारे जिलों पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि जैसलमेर में यदि कोई व्यक्ति बैठा है और उसको इस तरह की कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो ऐसा ना हो कि उसको जोधपुर से सैंपल के टेस्ट की प्रतीक्षा करनी पड़े। तो इसमें से 80% कवरेज हो चुका है और रिमेनिंग मेरे ख्याल से 15-20 दिन में सारा उपलब्ध हो जाएगा। एक सवाल और है कि इस जब भी एक क्राइसिस होता है एक रोल है ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद, सरकार और जनता के बीच का संवाद, और उसी के बीच में आज के दिन में एक फेक न्यूज जिसको मजाक में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तो कैसे जो है आप लोगों ने जो है डील किया है जिससे कि लोगों में पैनिक ना हो, इसके बारे में बताएं। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी क्राइसिस में, किसी भी पैंडेमिक में या किसी भी अन्य इमरजेंसी में कम्युनिकेशन का रोल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक्चुअल क्राइसिस मैनेजमेंट का है। आपको क्योंकि ये पब्लिक क्राइसिस है, इससे सारे जनता, सभी लोग से इफेक्ट हो रहे हैं, सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट द ट्रूथ्स टू द पीपल इन अ वेरी रीअश्योरिंग वे। सो इट्स अ बिग चैलेंज, इट इज नॉट ईजी। जैसे आपने कहा सोशल मीडिया में फेक न्यूज, जैसे आपने टर्म यूज किया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बहुत सारे चलते रहते हैं। तो सरकार का ये कर्तव्य है और बहुत ही इसके लिए एक रोबस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सरकार के पास कि कैसे सभी समाचार माध्यमों, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे रेडियो हो, उसमें हम लगातार आकर ये बताते रहें कि वर्तमान स्थिति क्या है और देयर इज नो नीड टू पैनिक बट यू हैव टू बी कॉशियस। तो उसमें हमारी बहुत फोकस स्ट्रैटेजी है। हम पहले दिन में 3 बार ऑफिशियली मैं खुद रिलीज करता था डेटा कि राजस्थान में कितने केसेस हैं, कितनी डेथ्स हुई, हमारे पास कितने बेड्स हैं और जो टेस्ट हुए हैं उसकी क्या नंबर्स है, और फिर मीडिया चैनल्स के ही रिक्वेस्ट पे हमने उसको 2 बार कर दिया है। तो हम प्रतिदिन लगभग 10:30 बजे प्रातः और 8:30 बजे रात को ये इंफॉर्मेशन सबको रिलीज करते हैं। वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग। इनफैक्ट मैं कल पिछले 2 दिन से समाचार माध्यमों में देख रहा हूँ कि कुछ बड़े महानगरों में डेथ की संख्या के बारे में कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। मैं आपको राजस्थान की तरफ से कंसिडर्ड रूप से बताना चाहूंगा कि वी आर ओवरटली ट्रांसपेरेंट इन रिपोर्टिंग डेथ नंबर्स। इसमें एक विशेष चीज है, जैसे हमारे लगभग 275 डेथ्स में से 56 लोग हैं वो ब्रॉड डेड टू द हॉस्पिटल, जो मृत अवस्था में अस्पताल में लाए गए और उनकी मृत्यु किन्हीं अन्य कारणों से हुई। उदाहरण के तौर पर सुसाइड के केस हैं, एक्सीडेंट के केस हैं। इवन इफ फॉर पीपल हु आर ब्रॉड डेड टू हॉस्पिटल वी टेस्ट देम फॉर कोरोना, और अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं तो हम उसे रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो अगर डेड बॉडी में कोरोना पॉजिटिव है तो डेड बॉडी के डिस्पोजल का एक तरीका है, सो दैट हैज टू बी फॉलोड, अदरवाइज इट विल लीड टू फर्दर स्प्रेड। तीसरी चीज जो हम उसमें कर रहे हैं कि जो लोग ब्रॉड डेड हैं, सॉरी, उसको हम फिर एनालाइज करते हैं। हमारी एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसमें L1, L2, L3 3 रीजंस हैं। पहला रीजन है कि क्या वो व्यक्ति, उसके सिम्टम्स थे और उसने यह निर्णय लेने में देरी करी कि वह अस्पताल जाए, दैट इज L1। L2 इज कि क्या उसने निर्णय ले लिया कि उसको अस्पताल की आवश्यकता है लेकिन वो अस्पताल को एक्सेस नहीं कर पाया, एम्बुलेंस देर से आई या अस्पताल दूर था, दैट इज L2। और तीसरा जो L3 रीजन है कि अस्पताल भी पहुंच गया लेकिन अस्पताल में किसी अव्यवस्था की वजह से या किसी भीड़ की वजह से उसको हम लोग अटेंड नहीं कर पाए। सो वी एनालाइज एवरी डेथ इन वेरी डिटेल। We also conduct something called a social audit. After 3 weeks of the deaths, we go to that locality, we talk to people around them, the family, the neighbors, ki kya wajah thi ki inhone aspatal ki sevayein lene mein deri hui aur inki mrityu hui.
ये इसलिए नहीं करते हैं कि हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं, दिस इज फॉर आवर ओन करेक्शन कि भविष्य में हम अगर कोई सिस्टम की कोई गलती है तो उसको करेक्ट कर सकें ताकि हम भविष्य में डेट्स को कंट्रोल कर सकें। आपने पहले एक सवाल पूछा था, मैं छोटा सा एक उत्तर देना चाहूंगा। राजस्थान की जो स्ट्रेटजी है इट इज फोकस्ड ऑन सेविंग लाइव्स बिकॉज वी हैव रियलाइज्ड दैट पीपल विल गेट इन्फेक्टेड, ये नंबर्स बढ़ेंगे, उसकी हमें चिंता बहुत ज्यादा नहीं करनी है। ऑफकोर्स संक्रमण के फैलाव से बचने के लिए हमें सारे प्रयास करने होंगे, परंतु हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू सेव लाइव्स, कि मृत्यु जो है वो कम से कम हो, क्योंकि उस पे हम अगर अर्ली टेस्टिंग उसी का पार्ट है जो आपने पूछा, आप ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। वी टेस्ट एग्रेसिवली बिकॉज वी वॉन्ट टू डिटेक्ट अर्ली, बाई डिटेक्टिंग अर्ली इट इज ईजी फॉर अस टू प्रोवाइड हेल्थ केयर इन अ रोबस्ट मैनर एंड देन सेव मेक द पेशेंट रिकवर एंड ऑल्सो सेव लाइव्स। अब जो डेथ्स हुई है उसकी भी हम एनालिसिस करते हैं कि सो वी हैव फाउंड दैट 70% ऑफ पीपल हु डाइड दे वर सफरिंग फ्रॉम कोमॉर्बिड कंडीशंस, मतलब उनको कोई अन्य बीमारियां थी, उसकी भी हम एनालिसिस करते हैं, किडनी प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, एनी अदर स्ट्रोक इशू, सो उसकी हम पूरी डेथ की लाइन लिस्ट में वो देखते हैं कि वो किस किस बीमारी। सो वी हैव केसेस जिनको 5 तरह की बीमारियां थी, जिनको 4 तरह की थी, जिनको 1 थी, 70% लोगों को दूसरी तरह की अंडरलाइंग कंडीशंस थी, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम सेट है वो बाकी जो 30% है जिनको दूसरी बीमारियां नहीं थी उनकी और हम ज्यादा इंटेंस एनालिसिस करते हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई। और उन 30% में भी जैसे अगर किसी की एज 60 से कम है, सो दैट इज द सेट दैट वरीज अस कि व्यक्ति 60 वर्ष से कम का था, उसको कोई दूसरी बीमारी नहीं थी, फिर क्या केवल कोरोना से डेथ हो गई? सो व्हाट प्रेसिपिटेटेड द डेथ? सो उसकी डिटेल्ड हमारे मेडिकल टीम पूरी एनालिसिस करती सो दैट वी कैन प्रिवेंट डेथ्स इन द फ्यूचर। एंड एक जो इन द स्टार्टिंग डेज ऑफ दिस COVID-19 सिचुएशन अखबारों में आ रहा था कि जो आपके स्टेट में भीलवाड़ा है वो एक मेजर हॉटस्पॉट के रूप में इमर्ज हो सकता है, और वो काफी स्टार्टिंग के ही पेज में बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ, जिसको एक सक्सेस स्टोरी माना जाता है। लेकिन साथ साथ जैसे जयपुर है जहाँ पर केसेस ड्रामेटिकली इंक्रीज हुए, तो कैसे आप उस डिफरेंस को देखते हैं कि दोनों शहरों की स्ट्रेटेजी में अंतर कैसे रहा? देखिए, बहुत अच्छा ये सवाल है आपका। दोनों जो प्रॉब्लम सेट्स हैं भीलवाड़ा और जयपुर, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक में फर्क है, दोनों में प्रॉब्लम में ही डिफरेंस है। उदाहरण के तौर पे मेरा जो पहला पेशेंट था वो इटालियन टूरिस्ट था और वो पूरे राजस्थान में घूम के आए थे, ये 20 लोगों का दल था। तो हमें तुरंत ये मार्च के शुरू की बात है, तो हमें जिन जिन स्थानों पर ये गए उनको हमने फ्यूमिगेट सैनिटाइज किया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और उस समय उस पे कंट्रोल करने का प्रयास किया। भीलवाड़ा में हमें एक जो डॉक्टर थे वो खुद इन्फेक्ट हो गए। अब वो डॉक्टर जो शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें मरीजों को देखते थे, शहर का बड़ा अस्पताल है इसलिए मरीज आसपास के क्षेत्रों से, गांव कस्बों से भी आते थे, सो दैट वाज अ डिफरेंट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। बट चूंकि भीलवाड़ा का थोड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी कम है इसलिए हमने उसी रात कलेक्टर जो थे वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके तुरंत लॉकडाउन कराया and we followed the strategy of ruthless containment which we call ruthless containment ka tha ki ab jo perimeter control hai aur geographic quarantine hai uska bahut sakhti se anupalna ki jaye aur humne kisi ko ghar se bahar nikalne nahi diya, logon ko thodi asuvidha hui par unki jaan bachane ke liye zaruri tha। wahan ye bhi main jila prashasan ka bhi wahan bada dhanyawad dena chahunga ki unhone bade acche se isko manage kiya aur jo logon ko asuvidha hui उसके साथ ही उन्होंने एसेंशियल सप्लाईज, दूध, सब्जी, दवाइयां वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित किया। देखिए, किसी भी क्राइसिस में जिसमें सारी जनता इफेक्ट हो रही है उसमें यू हैव गवर्नमेंट हैज टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि पब्लिक डजंट बिकम योर एडवर्सरी, जनता को हमेशा साथ लेके चलना होगा। और आपने जैसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था उसका कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, परंतु जो फिजिकल सप्लाईज है उसकी उपलब्धता बनाए रखना और लोगों को ये कहना कि ये सब आपके लिए ही हो रहा है ये बहुत जरूरी है, उसको भीलवाड़ा ने बहुत अच्छी तरह से किया। और लोगों को जो असुविधा हुई ये मैसेज बहुत अच्छी तरह से किया कि ये हमारे लिए ही किया जा रहा है और जिला प्रशासन जो भी सख्ती कर रहा है वो इसके पीछे जीवन बचाने का उद्देश्य है।
उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से अंगीकार किया और बहुत अच्छा वहां पे मैनेजमेंट रहा। इनफैक्ट वहां के कुछ विजुअल्स हैं जहां जब पुलिस की टीम जा रही है, फ्लैग फ्लैग मार्च तो नहीं बोलेंगे, पुलिस का एक कॉन्वॉय जा रहा था, उस पर लोग अपने घरों से उस पर फूल बरसा रहे थे। सो दैट शोज हाउ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यू नो केप्ट अ क्लोज कॉन्टैक्ट, अ क्लोज रिलेशनशिप विद द पीपल। रामगंज इन जयपुर इज अ डिफरेंट स्टोरी। रामगंज में ये वार्ड सिटी है, यहाँ जियोग्राफिकल छोटा सा एरिया है, उस एरिया में 5-6 लाख लोग रहते हैं और वहाँ का जो सोशल एंगेजमेंट का तरीका है, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी, एक एक घर में 20-25 लोग रहते हैं, तो उसमें भीलवाड़ा की स्ट्रेटजी नहीं काम कर सकती, क्योंकि भीलवाड़ा में हमने जो जियोग्राफिक क्वारंटीन किया उनको अपने घर में ही रखा। यहाँ पे इशू यह था कि अगर आप घर में ही रखोगे तो यदि एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है और घर में चूंकि इतने पास पास लोग रहते हैं तो 25 लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। सो वी हैड टू टेक देम अवे टू अ डिफरेंट क्वारंटीन फैसिलिटी। उसमें भी बहुत सख्ती हुई, हालांकि शुरू में एक दो दिन अगर हम ऐसा लगता है इंट्रोस्पेक्ट, अगर हम ज्यादा सख्ती करते तो शायद इस पे तुरंत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते, बट यू नो एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट। एंड वहां पे जैसे हमें लोकल लीडर्स की बहुत मदद लेनी पड़ी, जो लोकल MLAs थे, जो शहर काजी थे, उनसे हमने वीडियो से मैसेज कराया, क्योंकि टेस्टिंग को लेके भी थोड़ा जो पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है उसमें रेजिस्टेंस था कि हम टेस्टिंग नहीं कराएंगे और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो हमें बहुत तरह के जो चैलेंजेस थे, सोशल चैलेंजेस, उसको भी ओवरकम करना पड़ा। बट आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि अभी रामगंज में स्थिति पूरी नियंत्रण में है और जयपुर में छोटे छोटे केसेस जो अब ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ है उससे थोड़े अन्य भागों में है, बट इन रामगंज वी हैव बीन एबल टू कंटेन इट वेल एंड द एक्टिव नंबर ऑफ केसेस इज लेस देन 100 नाउ एंड वेरी सून रामगंज विल बी COVID-19। एक जो क्वेश्चन आपने एक बार अभी डिस्कशन में एड्रेस किया था स्टार्टिंग में, इट इज अबाउट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। इस सिचुएशन से अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री एक चीज उभर के आई है कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स उतना स्ट्रांग नहीं है, ज्यादा बेड्स नहीं है और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर जो है डिपेंडेंसी भी काफी है। तो आपके स्टेट में मतलब आप क्या क्या जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वीकनेसेस जो है समझ में आई और कैसे उसको आप उसको एड्रेस कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर जो है पब्लिक सेक्टर का, उसके डिस्टिंक्ट तीन वर्टिकल्स होते हैं। वन इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज बिल्डिंग्स एंड यू नो the square feet area and the air conditioning, everything. The second is what equipment are you putting in? उसमें क्या क्या उपकरण आपके लगे हैं, ये तो पहला वर्टिकल हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो दूसरा वर्टिकल है दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है पर डॉक्टर ही नहीं है, नर्स नहीं है, या डेंटिस्ट की चेयर है डेंटिस्ट नहीं है, दूसरी जगह डेंटिस्ट है डेंटिस्ट की चेयर नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम हर स्टेट में होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is very critical in any state's healthcare management. The third is how do you use the first two to deliver quality services to the people that you are catering to. To ye bada bhari challenge hai, matlab it is an legacy issue har state mein. Iske liye humne ab dono cheezon ko augment karne ka bahut aggressively prayas kiya hai. Aapko main kuch numbers batana chahunga. Humne pichle lagbhag 3 महीने में 13,000 नर्सेस को रिक्रूट किया है और 800 डॉक्टर्स को रिक्रूट किया है इन परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस, जो हमारी डेफिसिट थी संख्या में उसको, और 2,000 डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आन है, दैट विल बी डन बाय नेक्स्ट मंथ एंड, उसका एग्जाम होने वाला है अभी। तो ये तो HR का ऑगमेंटेशन है। जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, जैसे ऑक्सीजन की लाइन्स या नंबर ऑफ ICU बेड्स, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स, टेस्टिंग फैसिलिटी, CT स्कैन, MRI एंड सोनोग्राफी इन अदर मशीन्स, वो भी साथ साथ पैरेलल में काम चल रहा है। और इसमें मैं नेशनल हेल्थ मिशन का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि जनरली भारत सरकार और राज्य सरकारों में कई बार मतभेद रहते हैं, विभिन्न वैचारिक भी होते हैं, दूसरी तरह के होते हैं, बट इस क्राइसिस में जिस तरह से भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिल के काम किया है वो एक मिसाल है। मेरे IAS में 31 साल हो गए हैं, मैंने कहा पहली बार ऐसा देखा है कि
इतना क्लोजली कोऑर्डिनेशन चल रहा है और बहुत ही ये मतलब संतोष वाली बात है कि हम जैसे ही कोई इशू रेज करते हैं, whether it is medical or related to infrastructure, or when we seek any guidance, भारत सरकार is immediate to respond and मैडम सेक्रेटरी जो है प्रीति सूदन जी, उन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है मेरे स्टेट पर नहीं सारे स्टेट्स के साथ, एंड शी हैज बीन लाइक अ द लीडर इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट. तो उनसे भी हमें काफी मदद मिली है क्योंकि ये टेक्निकल इशू है और बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं. सो वी हैव टू कीप सीकिंग गाइडेंस कि टीबी की टेस्टिंग की जो सीबी नेट और ट्रू नेट मशीन है क्या उसी को आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए यूज कर लें, फिर उसमें दो टू चैनल लेनी है या फोर चैनल लेनी है. सो देर आर यू नो मेनी इशूज विच आर यू नो टेक्निकल, देर आर स्मॉल स्मॉल इशूज, बट इफ समबडी इज एबल टू गाइड यू वेल, then whatever you are doing in terms of infrastructure augmentation will be very optimal, will be very optimal and smart. So you know, money is a different issue, but how smartly are you utilizing those resources, how optimally are you utilizing resources, that is key. usme mere khayal se rajya sarkaron aur kendra sarkar ne bahut acha hamara madad kiya. udaharan ke taur pe mere 6-7 batchmates दूसरे स्टेट्स में हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, हम लोग आपस में भी बात करते रहते हैं कि आपके यहाँ क्या हो रहा है. सो द बेस्ट प्रैक्टिसेस वी ट्राई एंड अडॉप्ट बिकॉज़ यू नो नोबडी वांट्स टू रीइन्वेंट द व्हील एवरी टाइम, बिकॉज़ इफ महाराष्ट्र इज डूइंग समथिंग गुड, इफ तमिलनाडु इज डूइंग समथिंग गुड, इफ कर्नाटक इज डूइंग समथिंग, देन वी कैन क्विकली इफ नॉट अडॉप्ट अडैप्ट इट टू आवर लोकल डिपार्टमेंट्स. एक और जो इंसिडेंट्स जो काफी स्टेट्स में ऐसा उभर के आ रहा है कि इज अबाउट द डॉक्टर्स गेटिंग इन्फेक्टेड लाइक इन दिस सिचुएशन, हाउ आर यू कीपिंग द सेफ्टी ऑफ योर स्टाफ इंटैक्ट. देखिए ये जो डॉक्टर्स का इन्फेक्शन इन्फेक्ट होना है और नर्सेस का, ये कोई इंडिया के प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम. और इसका इट्स वेरी सिंपल लॉजिक, उनका एक्सपोजर प्रोलॉन्ग होता है और वो मरीजों के ज्यादा कॉन्टेक्ट में रहते हैं, प्लस ये ऐसी चीज है कि आप कितना भी प्रोटेक्ट करो सर्फेसेस को टच करना, और बहुत छोटी किसी भी छोटी चीज से ये हो सकता है, बट वी हैव टू बी रेडी विद इक्विपिंग देम विद एडिक्वेट प्रोटेक्शन. तो जो पीपीई किट्स हैं, मास्क हैं, जो सैनिटाइजेशन है प्रीमाइसिस का, इन्फेक्शन कंट्रोल है, वो हमने रोबस्ट करने का प्रयास किया है, बट फिर भी कुछ लोग इन्फेक्ट होते हैं तो उनको इमीडिएटली हम आइसोलेट करके ट्रीट करते हैं. तो थैंकफुली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एंड टच वुड फॉर दैट वी डिड नॉट हैव एनी डेथ्स ऑफ पीपल डीलिंग फ्रॉम द मेडिकल साइड, व्हिच इज गुड न्यूज, बट वी हैव टू टेक फर्दर केयर, एंड एज हेल्थ सेक्रेटरी इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप माई फोर्स ड्यूली प्रोटेक्टेड. उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हमने कभी भी जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसमें कोई कमी आने नहीं दी, ना संसाधनों की ना अवेलेबिलिटी की, और उसी वजह से तीसरी चीज एक इसमें यह है कि ये फोर्स जो है ये प्रोलॉन्ग्ड 100 दिन, जैसे मैंने कहा 100 दिन से काम कर रही है, सो देयर इज अ फटीग विच सेट्स इन, उसका हमें ध्यान रखना है. उसमें हमने कई बार यू नो रोटेशन का प्रयास किया है कि लोगों को चेंज किया जाए, बट उसमें ये भी लगता है कि जो लोग हमारे एक्सपर्ट्स हैं जिन पे हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं उनको अगर हटा दें और एकदम से वहां स्थिति बढ़ जाए, सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस, बट वी आर डूइंग ओके. और एक और जो क्वेश्चन जो जनता के मन में घूमता रहता है कि ये जो अनलॉक हुआ है उससे उससे लोगों का, अब जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, शॉप्स खुल गए, तो इससे तो केसेस और इंक्रीज होंगे, तो इजंट इट अ बैड आईडिया टू अनलॉक इटसेल्फ, सो इस पे आपके व्यूज क्या हैं. सो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आईडिया बिकॉज़ यू नो जीवन के साथ आजीविका भी इंपॉर्टेंट है. आई मीन वी कांट लेट द इकोनॉमी यू नो गो डाउनहिल, वी हैव टू कीप द इंजंस ऑफ इकोनॉमी रनिंग, we have to produce outputs, we have to have people buying products so that economy mein money circulate hota rahe, wo bahut zaruri hai aur usko ignore nahi kiya ja sakta. Jaane bachana bhi zaruri hai, infection control karna bhi zaruri hai, infection ka spread prevent karna bhi zaruri hai. So ye bahut bada challenge hai ki dono mein kaise samanjasya banaya jaye.
मेरे ख्याल से पूरे ही देश में सारी राज्य सरकारों ने अपना भरपूर प्रयास कर दिया है और हम अब जो सारी जिम्मेदारी है वो जनता के ऊपर है कि आपको खुद का अपना बचाव रखना है। और हमने जैसे राजस्थान में मंत्र, क्योंकि हमारे यहाँ SMS बड़ा पॉपुलर वर्ड है, हमने ये मंत्र दिया है कि आप SMS का पालन करो तो कुछ नहीं होगा। फर्स्ट S इज सोशल डिस्टेंसिंग, M इज मास्क, एंड S इज सैनिटाइजेशन या साबुन से हाथ धोना। ये बस तीन चीजें याद रखिए और आपको कुछ नहीं होगा। और अननेसेसरी बाहर नहीं जाएं, जो वृद्ध लोग हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, जो इनको हम वल्नरेबल कहते हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। पर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। तो ये तो लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। और कुछ महानगरों में जैसे स्थिति बिगड़ रही है, तो लोग भी टीवी देखते हैं, सारे सोशल मीडिया देखते हैं, लोगों को भी ये एहसास है। और मैं जब ट्रैवल करता हूँ अब, तो मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है जितनी आम दिनों में रहती है। बट फिर भी आपका प्रश्न बहुत वाजिब है कि तो उसका जवाब मेरा नक्शे में है कि अनलॉक तो करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू कीप द इकोनॉमी रनिंग, बट वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। एंड दिस कोरोना, एज ऑल द मेडिकल एक्सपर्ट्स से, हैज टू बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। मास्क लगाना पब्लिक प्लेसेस में, और बार बार हाथ धोना और 20 सेकेंड तक धोना ताकि वायरस निकल जाए, ये सब हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट होगा। जैसे आपको ध्यान हो, मॉस्किटो की जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होती हैं, अब वो इंडिया में बहुत दिन से ये डेंगू और मलेरिया और इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो लोग अपने घरों में गुड नाइट लगाते हैं, ऑटो मास्क लगाते हैं, तो वो अब कुछ अजीब सा नहीं लगता है। दैट इज बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफस्टाइल। मेरे ख्याल से कोरोना से रिलेटेड भी अब हमें यही करना होगा। यू कैन हैव यू नो फैशनेबल मास्क विच मैच योर शर्ट्स विच मैच योर टाइज, सो दैट, बट मास्क तो लगाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से पब्लिक प्लेसेस में मास्क का लगाना लोग कई बार रियलाइज नहीं करते हैं, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट। बाय पुटिंग अ मास्क ऑन योर फेस एंड नोज, यू आर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम गोइंग टू अदर्स। सो इट्स लाइक अ गेम थ्योरी प्रॉब्लम, जब तक दोनों लोग नहीं लगाएंगे तब तक प्रक्रिया है आपको जो दिख रही है। देखिए, मैं मतलब समाचार पत्रों से ही ये जानकारी मिलती है और ICMR के एक्सपर्ट से कभी कभी बात होती है, तो ऐसा सुनने में आया कि पूरे विश्व में 80-90 जगह वैक्सीन बनाने के प्रयास बहुत तेजी से चल रहे हैं। बट वैक्सीन बिफोर यू रोल इट आउट टू पीपल, उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि पहले तो वैक्सीन बनती है, फिर उसके ट्रायल्स होते हैं, फिर उसकी स्टडीज होती हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में मेजरमेंट होता है, और जब हार्ड एविडेंस ये पॉइंट करता है कि साहब ये वैक्सीन काम कर रही है, तभी इसको रोल आउट किया जाता है। तो उसकी पूरी एक प्रोटोकॉल है, उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ही काफी टाइम लग जाता है। हालांकि मैं जो पढ़ रहा था, कुछ इसराइल के कंपनीज हैं, कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो रहा है, कुछ हमारे बैंगलोर में हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अगले 6-7 महीने में वैक्सीन दुनिया में उपलब्ध हो जानी चाहिए। बट उससे पहले ही अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे तो ये इतनी ज्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है। Like I said, in Rajasthan, we have launched something called Mission Liza. We have to save lives. Liza is for LIs, lives, SA is saving. So as government, even for people, the focus should be on saving lives. Kuch bhi aapko pareshani ho, turant report karein. Because in any medical problem, jo early reporting hai, aur healthcare services ko early access karna, wahi key hoti hai. Chahe wo heart attack ho, chahe accident ho, usse golden hour, sabko pata hai. अगर आप जल्दी चिकित्सा सुविधा तक पहुंच गए तो आपकी जिंदगी बच सकती है। आई थिंक दैट इज द की दैट ऑल ऑफ अस बोथ एज हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एज पीपल वी हैव टू रिमेंबर कि डिले नहीं करना है भाई। अगर कुछ समस्या आए तो तुरंत चाहिए, और सारे सरकारी प्राइवेट सुविधाएं सब उपलब्ध हैं। एंड टेक केयर ऑफ दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इस क्राइसिस में IT का उपयोग कैसे हुआ है, आप कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर IT नहीं होती तो हम क्या करते। एंड यू नो इवन अ सिंपल थिंग लाइक व्हाट्सएप, इट
has done wonders for people in positions like mine, you know, to constantly be in touch with different groups. ऊपर रिपोर्ट करना है, नीचे वालों से रिपोर्ट लेनी है, साथ वालों को डिसेमिनेट करना है, रिपोर्ट्स ट्रांसफर करनी है, पावर पॉइंट ट्रांसफर करनी है, पीडीएफ फाइल्स ट्रांसफर करनी है, कोलेट करना है. इतना ज्यादा उपयोग हुआ है राजस्थान में, और मैं राजस्थान के आईटी विभाग और उसके मुखिया अभय कुमार जी को बधाई देना चाहूंगा. उन्होंने इतना फैसिलिटेशन किया है सबका कि वी हैव यूज टेक्नोलॉजी सो मच एंड इट हैज हेल्प्ड अस सो मच. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये माइग्रेंट्स का इशू था, अब हमने एक पोर्टल बनाया और कहा कि भाई माइग्रेंट जो भी आना चाहे राजस्थान से, राजस्थान में आप इस पर रजिस्टर कर दिए, या राजस्थान से आप बाहर जाना चाहें. अब उदाहरण के तौर पर लीजिए, कोई जलगांव महाराष्ट्र से नागौर राजस्थान में आना चाहता है. नाउ द डिस्पैच पॉइंट इज मुंबई एंड जयपुर, द मेन पॉइंट. सो इन द प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो ऑन द पोर्टल यू नो कि महाराष्ट्र के इन पॉइंट से राजस्थान के इन पॉइंट में लोग आना चाह रहे हैं. You do a matching and you plan कि इतनी ट्रेन चाहिए और जयपुर से नागौर इतनी बस चाहिए या ट्रेन चाहिए. तो उन सब चीजों में बड़ा बहुत ज्यादा आईटी का हमने सफलतापूर्वक उपयोग किया है. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. और जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं जूम पर, हमारा राजस्थान में बहुत अच्छा नेटवर्क है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, और मेरे ख्याल से 300 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी. और मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिस तरह से एंगेज किया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ, पुलिस ऑफिसर्स के साथ, और बाकी एमएलएस के साथ, रिलीजियस लीडर्स के साथ, प्रेस के साथ, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं रिटायर्ड उनके ग्रुप के साथ, मेरे ख्याल से वो लगातार दिन में 3-4 VCs तो करते हैं. और उससे जो कम्युनिकेशन का चैनल बना रहता है और जो उनको चीजें एम्फसाइज करनी होती हैं, वो बड़ा अच्छा उसका इफेक्ट जाता है. मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा. जब ये माइग्रेंट्स की समस्या शुरू हुई तो बहुत आपने भी देखे होंगे बड़े डिस्टर्बिंग विजुअल से लोग बेचारे पैदल जा रहे हैं. ये हमारे सीएम साहब बहुत सेंसिटिव है, उन्होंने निर्णय लिया कि राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए. नाउ दिस इज अ पॉलिसी पैराडाइम कि ये मैं चाहता हूँ एज हेड ऑफ द स्टेट. नाउ यू टेल द कलेक्टर्स, तो आप एक तो चिट्ठी भेज सकते हो कि राजस्थान में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए. But if you telling them face to face on a video conference, the message, you know, gets nailed in their heads with so much force कि उनको पता है कि सामने मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि राजस्थान में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए. So जो message की transmission की intensity है उसमें technology का बहुत बड़ा उपयोग है, other than normal management. And I think Rajasthan probably, I don't know, you will know it more. You deal with all states has been one of the front runners in using technology in this crisis. And hum sare aspatalon ka aur jo public health care vyavastha hai, jaisa maine pehle infrastructure ke bare mein kaha, hum uski IT enabling ko bhi humne bahut aggressively ab pursue karna shuru kar diya hai, taki is crisis ke bahane hum jo hamara health management system hai usko integrate karke IT enable kare, kyunki hame हर व्यक्ति को लॉन्गिट्यूडनल रूप से ट्रैक करना आवश्यक है. और पुरानी क्या हिस्ट्री है वो सब बहुत लोगों के पास उपलब्ध नहीं होता है, हमारे आपके पास भी कई बार नहीं होता है. डॉक्टर पूछते हैं पिछले साल की रिपोर्ट दिखाइए, तो हम लोग इधर उधर देखने लगते हैं कि साहब वो तो है नहीं. सो इफ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म विच कैन बी इजीली एक्सेस्ड, सो डॉक्टर का टाइम भी नहीं वेस्ट होता है, उनको आपकी सारी हिस्ट्री पता है. जैसे हमने छोटा सा प्रयोग किया, हमारी जो जनता क्लिनिक्स हैं उसमें इट्स टोटली IT enabled, there is no paper. तो जब पेशेंट जाता है उसका रजिस्ट्रेशन एक स्मार्टफोन पे होता है, एंड बाय द टाइम द पेशेंट रीचेस द डॉक्टर उसके आईपैड पे वो आ जाता है कि उसके क्या क्या वाइटल्स हैं और क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं. तो डॉक्टर और पेशेंट के इंटरेक्शन का जो प्रोडक्टिव टाइम है उसका बड़ा अच्छा सा यूटिलाइजेशन हो सकता है. सो वी कैन मेक द सिस्टम मोर एफिशियंट बाय यू नो स्मॉल स्मॉल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन. दैट हैज बीन आवर लर्निंग. तो वो इस क्राइसिस में और इसके बाद भी हम उसको और ज्यादा उपयोग करना चाहेंगे. तो आप अपने ये जो बताया कि बहुत सारी लर्निंग्स हुई हैं और उसका उसका जो आगे भी उसका जो यूज किया जाएगा, उससे एक चीज और जो हमारे ऑनरेबल पीएम ने कहा है कि नाउ द फोकस विल बी बिगर ऑन हेल्थ सेक्टर एज ए कंट्री विल फोकस. सो एंड
क्या आप ये देख रहे हैं कि लाइक हाउ टू नॉट वेस्ट ए क्राइसिस, आप इस क्राइसिस को कैसे वे वेस्ट ना करें एंड यूज इट फॉर द लर्निंग्स एंड फॉर द हेल्थ केयर ऑगमेंटेशन ऑफ द स्टेट. सो उसपे मतलब लाइक ये तो बात जग जाहिर है कि हमारे जो रूरल एरियाज है या रूरल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लाइक जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम वीक है, तो उसपे अब कुछ और स्टेप्स के बारे में बात हो रही है सरकार. बिल्कुल सो एकदम सही कहा आपने, और जैसा अपन ने पूर्व में भी डिस्कस किया, वी आर यूजिंग दिस क्राइसिस एज अपॉर्चुनिटी टू ऑगमेंट आवर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इन राजस्थान फॉर लास्ट वन मंथ the focus has also been on non-COVID healthcare services because we realized that COVID से तो बहुत ज़्यादा ठीक है, हम उसको manage कर रहे हैं, but बाकी जो सेवाएं हैं हमारी immunization की, delivery services की, tuberculosis management की and other things, उस पर अगर हम focus नहीं रखेंगे तो हो सकता है उधर ज़्यादा deaths होने लगे और इधर हम COVID ही कर रहे हैं. तो राजस्थान में दो तीन बड़े अच्छे steps लिए हैं इसमें. हमने देखा कि जन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाए कंटेनमेंट जोन्स में, वहां लोग मेडिसिन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और तो बाकी क्षेत्रों में भी चूंकि ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन थे, आपने लॉकडाउन की बात कही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था, अभी भी सिटी ट्रांसपोर्ट राजस्थान में बंद है, तो लोगों को हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन तक जाने में दिक्कत हो रही है. तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 500 से ज्यादा मोबाइल वैन्स आप लगाइए पूरे राज्य में. सो वी पुट अबाउट 550 मोबाइल वैन्स both in curfew zones, containment areas and all other areas, so that people can access not only free OPD services but free medicines also. Rajasthan ki jo free medicine scheme hai wo historically achhi rahi hai aur usko humne isme band nahi hone diya aur usko hum roz shaam ko monitor bhi karte hain ki kitna OPD raha, kitne log aaye. So I am very happy to inform you ki till today we have served almost 10 lakh people through mobile OPD vans all across Rajasthan. So we have not let. जैसे हमारे जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन के सेशंस होते हैं वो कम हो गए थे कोविड की वजह से, बिकॉज हमारी जो आशा बहनें थी और ANMs थी वो इस कोविड के मैनेजमेंट पे, उसको हमने धीरे धीरे फिर शुरू किया है. सो आई कैन टेल यू द आवर जर्नी ऑफ लास्ट 4 weeks, 4000 सेशन, 6000 सेशन, 8000 सेशन, 10000, और परसों थर्सडे को हमने 11,700 सेशंस किए. सो इसमें लगभग 50,000 गर्भवती महिलाओं को और 1,00,000 बच्चों को टीकाकरण हुआ, इम्यूनाइजेशन हुआ. बिकॉज वी हैव रियलाइज दैट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड चिल्ड्रंस हेल्थ, इफ यू आर एबल टू यू नो डू वेल ऑन दिस, हमारा 60% पब्लिक हेल्थ केयर इज टेकन केयर ऑफ. माओं को और छोटे बच्चों की अगर हमने हेल्थ शुरू में ही रोबस्ट कर दी तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स कम होंगी. ऑफ कोर्स टर्शियरी केयर एंड अदर थिंग्स आर विल बी रिक्वायर्ड, बट सो आवर फोकस इज कि इसको हम कैसे और रोबस्ट करें और कैसे और सुदृढ़ करें. ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव बताया, मोबाइल क्लिनिक्स और नॉन कोविड की आपने बात की, और एक डिस्कशन बहुत हो रहा है जो आता है कि जितना अटेंशन हम लोग कोविड पे दे रहे हैं एंड लॉट ऑफ लाइक मोर डेथ्स हैपन ड्यू टू टीबी इन दिस कंट्री और ड्यू टू द एयर पोल्यूशन इन द कंट्री और ड्यू टू सेवरल अदर लाइक इश्यूज. सो एज ए पॉलिसी मेकर आपको लगता है कि हमारी मतलब हम लोग कोविड को कुछ ज्यादा ही जो है सीरियसली ले रहे हैं और चीजों को छोड़ रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? टू सम एक्सटेंट यस, बट वो जरूरी भी था मेरे ख्याल से, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जिस तरह से ये फैलता है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन का मॉडल है इट्स ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल, और जो एक पैरामीटर होता है आर नॉट कि हाउ मेनी पीपल ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन्फेक्टेड इज इन्फेक्टिंग, वो काफी शुरू में ज्यादा भी था और अभी भी ज्यादा ही है. तो इसपे तो हमें पूरा मैनेज करना होगा, बट आपने बिल्कुल सही कहा कि बाकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल से सभी राज्यों ने और भारत सरकार ने भी इस चीज को समझा है. और अभी परसों 3 दिन पहले ही भारत सरकार ने हमारे से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक एक चीजों पर समीक्षा की कि हम नॉन कोविड सर्विसेज में कैसे कर रहे हैं, और उन्होंने भी हमारे यू नो मोबाइल वैन्स के मॉडल को अप्रिशिएट किया.
और उन्होंने अन्य राज्यों को भी सलाह दी है कि इस तरह से आप इन सेवाओं को निरंतर जारी रख सकते हैं. सो यू आर राइट, आई थिंक समटाइम्स ऐसा लगता है कि वी हैव डन यू नो अ लॉट ऑफ अनड्यू अटेंशन ऑन कोविड. मेरे ख्याल से वो जरूरी भी था क्योंकि लोगों में पैनिक क्रिएट करना और डेथ्स को मैनेज करना, जिस तरह की स्टोरीज आ रही थी इटली की और यूएसए की और स्पेन की और अन्य देशों की, वो वाजिब है कि थोड़ा सिस्टम में भय होगा और इमरजेंसी लाइक थिंकिंग हो जाएगी. बट आई थिंक बाकी हेल्थ सर्विसेज यू आर वेरी राइट, उन पर भी फोकस करना जरूरी. इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भीलवाड़ा में पहले केसेस आए 18-20, तो एक फॉरेन मीडिया चैनल ने ये कह दिया कि साहब भीलवाड़ा इज द नेक्स्ट इटली. एज एन आई एस ऑफिसर एंड एज हेल्थ सेक्रेटरी वो बात थोड़ी दिल में लग गई. तो हमने भी ये ठान ली कि अब हम भीलवाड़ा को कंट्रोल करके ही मानेंगे. और ये कौन होते हैं हमारे फॉरेन चैनल बोलने वाले कि नेक्स्ट इटली है. और मैंने उन्हीं चैनल से उसी व्यक्ति से जब जीरो मेरे केस हो गए थे भीलवाड़ा में तब बात करी एंड ही सेड हाँ सर मेरा एस्टिमेट गलत था. और यू नो यू हैव डन अ गुड. सो यू नो थिंग्स लाइक वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स एंड we are under a lot of stress, we work almost 24/7 these days for last 100 days, but is tarah ki cheeze koi agar off the cuff bol de ki nahi sahab aapka to Italy hone wala hai, so it hurts, but it also gives us you know new energy and like they say you know with a vengeance we say ki nahi hone denge ab to hum isko theek karke rahenge. So ye I'm just giving you an example ki ये सब भी साथ साथ चलता रहता है. Yes, yes. और we had heard about this comparison with Italy, जो हमने इंटरेक्शन किया था विद भीलवाड़ा कलेक्टर, तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग का जो अंदर में डर आ गया कि इटली नहीं बनने देंगे, तो that was a motivator also. एक चीज और आपसे पूछनी है, जो देश में एक सक्सेस मॉडल की बात होती है, केरला मॉडल की बात होती है अक्सर, और एक और मॉडल की बात होती है राजस्थान मॉडल की, so how are these two models similar or different? इसके बारे में देखिए, दोनों को कंपेयर करना थोड़ा फेयर नहीं होगा. आई गिव एन एग्जांपल, केरला का एरिया कम है, मेरा एक जिला जैसलमेर उसका ज्योग्राफिकल एरिया पूरे केरला से ज्यादा है. सो आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू अ नंबर नाउ. बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, बट केरला की जो अच्छी बातें हैं जो सारे राज्यों को हमको सबक लेना चाहिए, लिटरेसी लेवल्स आर वेरी हाई, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज आर आउटस्टैंडिंग, वहाँ के जो नर्सिंग सिस्टम है, और वहाँ जो बहुत सारे लोग फॉरेन जाते हैं वहाँ पे जो विदेशों में रहने वालों की संख्या बहुत अधिक है, तो वो अपने पीछे जो बड़े बूढ़े छोड़ के जाते हैं परिवारों के, उनका जो नर्सेस ध्यान रखती हैं, इनफैक्ट मैं वहाँ के जो हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह से बात करता हूँ, इतना अच्छा सिस्टम है कि जो व्यक्ति मिडिल ईस्ट या अमेरिका में रह रहा है केरला का, वो पीछे उसके पेरेंट्स इंडिया में है, नर्सेस उनसे बात करके उनका ध्यान रखती है. मतलब उनका जो सीनियर सिटीजन्स के लिए केयर सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ केयर सरकारी, वो बहुत ही अच्छा है, उससे हमें सबक लेना होगा. बट यू ऑल्सो हैव टू सी रियलिटी दैट आप गाड़ी से चले और 3-4 घंटे में केरला पूरा क्रॉस हो गया, ऑल्दो इट्स अ लॉन्गेस्ट स्टेट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. हमारे यहाँ डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, और ऐसा भी नहीं, अच्छा लोग छोटे छोटे गाँव, एक लोकल टर्म है ढाड़ी, ढाड़ी इज लाइक अ स्मॉल हेलमेट हेमलेट सॉरी, उसमें रहते हैं. अब आपको आप जोधपुर से जैसलमेर जा रहे हैं, उस बीच में 100 किलोमीटर बाद फिर 50 किलोमीटर दूर एक जगह, वहाँ 40 लोग रह रहे हैं, उसके बाद 30 किलोमीटर बाद एक जगह जहाँ 100 लोग रह रहे हैं. सो दे आर ऑल आवर सिटीजंस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, बट यू हैव टू सी व्हाट चैलेंजेस वी हैव टू फेस इन टर्म्स ऑफ सरमाउंटिंग दीज जियोग्राफिकल चैलेंजेस एंड एंश्योरिंग द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, नॉट ओनली हेल्थ केयर, आई एम टॉकिंग एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स. So it's a different challenge, but in sab challenges ke bawajood, jis tarah se topmost level se jo hamara monitoring hua, aur hum sab ne jis tarah se, matlab mujhse zyada bhi meri team ne jis tarah se perform kiya hai, so we are very proud of our team, how they have managed to deliver despite all these challenges. So Kerala of course is number one, but they have a few advantages in terms of you know high literacy, you know very high quality of nursing system, so hum bhi unko emulate kar rahe hain, but hamare jo thode challenges are different hain, but I can guarantee you we will be no less in times to come.
एक नॉन कोविड क्वेश्चन है कि अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि जो रूरल हेल्थ सेंटर्स है वहां पर डॉक्टर्स बहुत बार एब्सेंट रहते हैं, वहां पर स्टाफ नहीं होता, अक्सर वो बंद मिलते हैं और इससे बहुत जो रूरल एरियाज है बहुत एक मेजर हेल्थ केयर डेफिसिट है. सो एंड लाइक इफ यू लुक एट स्कूल्स, आज के दिन जो रूरल स्कूल्स है वहां पर आई टी का यूज हो रहा है टू ट्रैक टीचर्स, ट्रैक की बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ऑल दैट स्टफ. बट आई टी अडॉप्शन इन रूरल हेल्थ हैज बीन परहैप्स लोअर अक्रॉस द कंट्री. सो लाइक यू हैव बीन इन द आई टी डिपार्टमेंट इन योर very early stages of your career, as far as I know. So are you like thinking ki, like when all this COVID story like gets reduced, like you will start thinking about these issues a bit more? You are very right, and this is a challenge that most of the states face. If you do a quick analysis, you will see that jin states mein urbanization zyada hua hai उनमें रूरल हेल्थ और मतलब छोटे पॉइंट्स पर हेल्थ सिस्टम ज्यादा अच्छा काम करता है, जैसे तमिलनाडु है. नाउ इट इज टोटली 75% प्लस अर्बनाइजेशन. सो व्हेन वी वांट यू नो अ डॉक्टर हुज यू नो स्टडीड एट जयपुर एंड ही इज यूज्ड टू अ स्टाइल ऑफ लाइफ एंड यू सडनली वांट हिम टू सर्व इन अ स्मॉल प्लेस इन बाड़मेर, नाउ इट इज वेरी इजी टू से, बट उसका जो परिवार है उसके बच्चों की शिक्षा है और अगर उस जगह वैसी सुविधाएं यू नो इजीली एक्सेसिबल नहीं है तो इट्स अ जेन्युइन इशू एंड वी आर स्ट्रगलिंग विद दिस. नॉट ओनली अस, ऑल द नॉर्दर्न स्टेट्स फेस दिस प्रॉब्लम बिकॉज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज लो, पीपल डोंट वॉन्ट टू स्टे इन स्मॉलर प्लेसेस. और जो आपने ट्रैकिंग और टेक्नोलॉजी की बात कही, मतलब रेगुलेशन से आप उनको डरा धमका के कुछ यू कैन गो ओनली टू एन एक्सटेंट, बट आई थिंक इस समस्या को गंभीरता से इसकी जड़ों तक जाना पड़ेगा, तह तक जाना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. हमारे मुख्यमंत्री जी उसे मीटिंग दे रहे थे, सो यही बात जो आपने कहा बिल्कुल सही, ये बात डिस्कस हो रही थी. तो ये बात हुई कि साहब वहाँ पे क्वार्टर्स जो है उनको और अच्छा कर दिया जाए जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज है. फिर एक हमारे माननीय मंत्री जी ने बोला कि रेजिडेंशियल फैसिलिटीज ही मतलब काफी नहीं है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे अगर उस छोटे कस्बे में अच्छा स्कूल नहीं हुआ या अन्य सुविधाएं नहीं हुई, तो फिर भी उसके लिए एक डिसइंसेंटिव होगा कि वो अपनी फैमिली को वहां नहीं रखे. और अगर उसने अपनी फैमिली को वहां नहीं रखा तो उसका भागने का और मुख्यालय छोड़ने का इंसेंटिव बढ़ जाता है. एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग, पीपल वांट टू स्टे क्लोज टू देयर फैमिली. सो इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर द एंटायर नॉर्दर्न इंडियन बेल्ट वेयर urbanization is low, but we have to work. So we are making an HR policy. बीच में COVID आ गया, otherwise we were moving towards right to health, and उसमें एक HR जो component था बहुत important था, उसपे हम काम कर रहे थे. तो hopefully once the COVID thing you know subsides, we will work on it. But it's a huge challenge, and even for school आपने बात करी, it is not easy. So school में आपको देखना है कि there is no emergency service. Yes. You know, you are teaching children for a future role. Here it's different. यहाँ पे बीमार व्यक्ति इंस्टीट्यूशन में आ रहा है, उसका आपको ध्यान रखना है, तो वो थोड़ी अलग चीज है. बट आपने एकदम सही कहा, ये समस्या अभी है और हमें एक कोई इनोवेटिव तरीके ढूंढने होंगे. आई थिंक टेलीमेडिसिन, ई हेल्थ, इस तरह की चीजों पर ज्यादा फोकस करना होगा. बिकॉज कई बार जो रिपीट केसेस होते हैं, हमने स्टडी की हुई है राजस्थान में अभी पिछले एक साल में, कि जो रिपीट केसेस हैं, जैसे आपका एक बार डायग्नोसिस हो गया एंड यू आर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, सो अगली बार हो सकता है आपको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है. ऑन फोन इफ यू टेल योर सिम्टम्स एंड टॉक टू द एक्सपर्ट, यू कैन स्टे होम एंड डू इट. वो कोविड के टाइम भी हो रहा है, हो सकता है इसको हमें अपने सिस्टम का एक इंस्टीट्यूशनलाइज पार्ट बनाना पड़े. सो यू आर राइट, वी हैव टू वर्क ऑन इट. और एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ. एक तो कुछ स्टेट्स में, आपके इस भी स्टेट में आई थिंक पीपीपी पर कुछ रूरल हेल्थ सेंटर्स को जो दिया गया टू सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर्स, इन सम अदर स्टेट्स आल्सो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड पायलटेड. सो हैज इट बीन यूजफुल, एक सवाल ये है. और दूसरा सवाल है कि
जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है अभी भी आप अगर देखें अधिकतर राज्यों में 50% जो है वो डिपेंडेंसी या उससे भी जो है ज्यादा वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे है. तो हाउ इज गवर्नमेंट लुकिंग एट, इज इट लुकिंग एट एज ए पार्टनर और इज इट लुकिंग टू इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम? आपके विचार क्या है? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को तो हमें साथ लेकर चलना होगा, बिकॉज नो गवर्नमेंट विल एवर हैव कैपेसिटी टू डू 100% हेल्थ केयर. आई मीन इवन विद एनएचएस इन यूके यू हैव टू एंगेज विद प्राइवेट सेक्टर. द की थिंग इज दैट जो आपने पीपीपी की बात करी, मैंने 6-7 साल तक हाईवेज में काम किया हुआ है एंड मोस्ट ऑफ द हाईवेज आर बिल्ट ऑन पीपीपी. तो हमें इस पीपीपी को थोड़ा गहराई में समझना पड़ेगा. यू नो समटाइम्स वी यूज द वर्ड पीपीपी, बट इन मेडिकल सिस्टम यू नो देर आर हॉस्पिटल्स विच आर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, यू नो धर्मार्थ होते हैं. जैसे यहाँ पे बहुत सारे अस्पताल हैं जो धार्मिक संस्थाएं चलाती हैं और अच्छा भी चलाती हैं. सो बिटवीन चैरिटी, आउटसोर्सिंग एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देर आर थ्री डिफरेंट थिंग्स. राजस्थान में जो आपने बात करी कि बड़ा अच्छा मॉडल था वो पीपीपी का, और हमारी मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा पीएससी चल रही थी, पर वो अच्छा, बहुत अच्छा नहीं चला. क्योंकि देखिए, पीपीपी में जब तक क्लैरिटी नहीं होगी कि किसको क्या करना है और अगर किसने परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा, या अच्छा परफॉर्म किया तो क्या इंसेंटिव है, वो सब एक क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. जैसे हम लोग हाईवेज में कंसेशन फ्रेमवर्क, वो 250-300 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक एक इवेंचुअलिटी को डिफाइन किया जाता है. अब आपने जैसे किसी को प्राइवेट को ये दे दिया ये कमरा कि साहब इसमें चलाओ डिस्पेंसरी, अब इसकी खिड़की टूटी हुई है या पंखा नहीं काम कर रहा है या लाइट नहीं काम कर रही है, वो आपने डिफाइन नहीं किया कि किसकी जिम्मेदारी है, तो फिर वो बाद में यू नो इट बिकम्स अ ट्रबल पॉइंट और धीरे धीरे ये एस्केलेट होता है. प्लस इन पीपीपी वी हैव टू रियलाइज दैट नोबडी इज हियर फॉर चैरिटी. You know, you have to let a private sector entity make reasonable profits. So reasonable is the key. If you, you know, become too stringent, he will start cutting corners. क्योंकि वो कहाँ से लाएगा? आप बहुत ज्यादा सख्ती करोगे तो वो इधर उधर दवाइयों की क्वालिटी कम कर देगा, संख्या कम कर देगा, रिकॉर्ड अपने छूटे होने लगेगा. So a good PPP is where the responsibility matrix जो बोलते हैं, it is clearly defined. किसको क्या करना है और यदि कोई स्थिति परिवर्तित होती है तो उसको कैसे, चेंज मैनेजमेंट बोलते हैं, वो कैसे एड्रेस होगा. ये जब तक दोनों पार्टी समझ के और प्राइवेट सेक्टर का रीजनेबल प्रॉफिट जब तक ना हो तब तक पीपीपी नहीं हो सकता. अच्छा, हमारे यहाँ क्या है कि जो स्वास्थ्य है उसको सेवा भाव, यू नो कि ये बहुत नोबल काम है, डॉक्टर भगवान है, वो तो ठीक है, मतलब दैट इज वन यू नो वे ऑफ थिंकिंग. But you have to see that if a private sector service provider is coming, you know, he wants to make money. He has to survive. He has to pay salary to his people. He has to run an organization. वो बात जब तक सरकार accept नहीं करेगी कि भाई वो चोरी नहीं कर रहा है, he is making a reasonable profit, and unless you let him make reasonable profit, he will not come. Plus, जो capital investment है वो आप private sector से अपेक्षा कर रहे हो. अगर प्राइवेट सेक्टर 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है आपके किसी टर्शियरी अस्पताल में, 30 करोड़ इक्विटी लगा रहा है, 70 करोड़ बैंक से लोन ले रहा है, उसको बैंक का लोन भी चुकाना है, तो आई एम जस्ट ड्राइंग अ पैरेलल विद माय हाईवे एक्सपीरियंस. यू हैव टू हैव अ वेरी रोबस्ट कंसेशन फ्रेमवर्क कि कैसे जो चलेगा. जब आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया दोनों पार्टी से, देन ओनली पीपीपी विल सक्सीड. बट यू आर राइट, वी हैव टू एंगेज विद प्राइवेट सेक्टर. वी कैन नॉट लिव यू नो विदाउट प्राइवेट सेक्टर. एंड जो आयुष्मान भारत का मॉडल है कि आप प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स को एम्पैनल करो, उसकी एक चेकलिस्ट होगी, सो इफ यू क्वालिफाई देन यू आर पार्ट ऑफ अस एंड इफ यू ट्रीट माय आयुष्मान भारत एलिजिबल पेशेंट्स यू गेट दिस कॉम्पनसेशन. यू कैन हैव एन इंश्योरेंस कंपनी इन द मिडल और यू कैन हैव यू नो अ ट्रस्ट मॉडल, बोथ आर एक्सेप्टेबल. तो वो एक अच्छा तरीका है और मेरे ख्याल से आयुष्मान भारत को अब इस कोविड के बाद और सरकार को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि हम प्राइवेट सेक्टर की जो क्षमताएं हैं स्वास्थ्य प्रबंधन में उसको अच्छी तरह उसका इस्तेमाल कर सके. और एक सवाल जो मैं पूछना आपसे भूल गया था स्टार्टिंग में, अबाउट द रिकवरी रेट,
जो आज आपके स्टेट में जो रिकवरी रेट ऑफ द कोविड 19 से पेशेंट्स है वो काफी अच्छी है, उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन्स है क्या? आपके यहाँ केयर बेहतर हो रही है? इनफैक्ट एक ऑडियंस ने सवाल पूछा है कि क्या राजस्थान के लोग खाना ज्यादा पौष्टिक खाते हैं कि इसलिए वहां पर रिकवरी रेट बेहतर है? इसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? देखिए, हमारी बहुत संतोष की बात है कि हमारी रिकवरी रेट 75% से ज्यादा पहुंच के आसपास पहुंच गई है, तो इसका मतलब 4 में से 3 लोग ठीक हो गए हैं, टू पुट इट सिंपली। नाउ इसका क्या कारण, जो आपने पहला प्रश्न पूछा था मुझे टेस्टिंग का, इफ जस्ट जो मैंने उस समय भी आपसे निवेदन किया था, इफ यू टेस्ट अर्ली, देखिए अर्ली एंड एग्रेसिव इज द की, द मोमेंट यू टेस्ट अर्ली और आपने किसी आदमी को बीमार पड़ने के पहले ही फेज में आइडेंटिफाई कर लिया और उसको आइसोलेट करके अस्पताल या जहां भी वो जाना चाहे, घर में रहना चाहे, तो यू विल बी एबल टू सेव लाइव्स। अगर आपने उसको यू नो ज्यादा बीमारी को फेस्टर करने दिया तो ये नुकसान करेगा। तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल से अगर जो सफलता मिली है रिकवरी में, वो इसीलिए मिली है कि वी हैव बीन टेस्टिंग एग्रेसिवली एंड यू नो आइसोलेटिंग देम अर्ली। और जो आपने दूसरी बात कही कि राजस्थान में पौष्टिक खाना, मेरे ख्याल से तो हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो बिकॉज की टफ कंडीशंस हैं, डेजर्ट है, बहुत ज्यादा हीट है, तो लोगों को मेहनत करने की आदत है, छोटी छोटी चीजों के लिए पानी के लिए दूर जाना पड़ता है और वैसे भी लंबे चौड़े लोग होते हैं, तो देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस बट आई कैन से बेस्ड ऑन एनेक्डोटल एविडेंस कि हृष्टपुष्ट तो होते हैं यहाँ लोग। और जो भी सोसाइटी ज्यादा काम कर रही है, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए ज्यादा चलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और जैसा भी आपने बिजनेस में भी दिखा होगा राजस्थान के लोग पूरे इंडिया में जाके सक्सेसफुल होते हैं बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड सिंपल पीपल, अच्छा खाना खाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो भी एक फैक्टर है बट आई हैव नो एविडेंस टू सजेस्ट कि उस वजह से जल्दी ठीक हो रहे हैं। मैं तो ये क्रेडिट सरकार के लिए लेना चाहूंगा कि हमारी अच्छी व्यवस्थाओं से लोग ठीक हो रहे, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अगले 7-8 दिन बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी ना हुई तो 80% तक ही पहुंच जाएगा रिकवरी रेट, which will be a very great satisfaction। Yes, yes, ये बहुत अच्छी बात है because हम लोग काफी और स्टेट्स की सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पर शायद रिकवरी रेट उतनी तेजी से इम्प्रूव नहीं हुई है, सो बहुत खुशी की बात है कि आपके स्टेट में इतने एक तो पेशेंट्स की जो संख्या कंट्रोल में है नंबर एक, और दूसरा जो रिकवरी रेट है वो काफी इम्प्रूव हो रही है, और ये इनफैक्ट उम्मीद की किरण जो और राज्य हैं उनके लिए भी क्या उनके भी हो सकता है अगर ठीक से अभी किया जाए, अगर एफर्ट्स जो है लगाए जाए तो ये बहुत। मैं जैसे अन्य राज्यों से बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि टेस्ट करने से घबराना नहीं चाहिए, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं और ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं तो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन योर गवर्नेंस। ये ऐसा नहीं कि आपका सरकार ठीक काम नहीं कर रही इसलिए जा रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं इसलिए क्योंकि लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, मतलब देयर आर सम थिंग्स व्हिच गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल, उससे घबराना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ज्यादा संख्या रिपोर्ट में एक दो दिन अखबारों टेलीविजन में आ जाएगा, बट एज हेल्थ सेक्रेटरीज माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई काउंटर पार्ट इज डोंट बी वेरी ऑफ हाई नंबर्स ऑफ इन्फेक्टेड पॉजिटिव केसेस but be very wary of number of deaths, so your entire focus should be just on 2 things, you know, how to prevent deaths and how to have adequate infrastructure and capacity to take care of the infected people. ye do jis rajya ne kar liya, I think Kerala has done a wonderful job, Karnataka has done a wonderful job, we are doing okay, so I think it's learning for all of us. aur sab log ek hi tarah ke hain, aisa nahi koi dusre planet se aaya hai, hum sab एक ही जगह से आए हुए हैं, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ यू नो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, बट एज अ स्ट्रेटजी टेस्टिंग कम नहीं करनी चाहिए, ये मेरा बहुत ही कंसिडर्ड ओपिनियन है। इनफैक्ट वो पीपल आर स्केयर्ड, जब वो नंबर्स आते हैं तो लोग का पीपल स्टार्ट आस्किंग द लोकल कलेक्टर, लोकल डीएम कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। I think वो उससे नहीं घबराना चाहिए मेरे ख्याल से। Of course it's a bad example कि ज्यादा पानी परस गया तो डीएम क्या करेगा, उससे आप उससे पूछो कि आपके जिले में पानी क्यों परस गया, बाढ़ क्यों हो गई, अरे भाई मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी। Although it's a little off example but yes we should not, it is not a reflection on the governance of
the district or the state, if cases are coming, because there are many other variables which are at play here. You know, the movement of migrants, the, you know, the kind of social engagement that a particular community or a social group is having. So you have to live with that reality, but try to control and make sure that, you know, more and more people recover and less people die. I think that should be the paradigm of our COVID management strategy. और हम लोग इलेट्स में इस वक्त जब जब से कोविड सिचुएशन हुआ, लॉकडाउन सिचुएशन हुआ, तो हम लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग डीएम से, कलेक्टर से, अलग अलग हेल्थ सेक्रेटरी, आईटी सेक्रेटरी वगैरह वेरियस डिपार्टमेंट से वी हैव बीन टॉकिंग एंड गेटिंग देयर फीडबैक एंड हाउ आर दे डीलिंग विद द सिचुएशन एंड पुटिंग ऑनलाइन वेबिनार्स की एटलीस्ट अवेयरनेस हो. तो हम लोग का जो ये इनिशिएटिव है रोहित जी, इसके बारे में आपको कोई संदेश है, इलेट्स और इलेट्स की जो टीम है उसके लिए आपको कोई? नहीं, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं तो देखता रहता हूँ आपको. और देखिए, जो मैंने बात करी ना एक्सपीरियंस शेयरिंग की कि हम दूसरे स्टेट से बात कर रहे हैं, वो आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और सुलभता से हो जाता है, आसानी से हो जाता है. जैसे आप केरला के चीफ सेक्रेटरी सर का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं उसको मैंने वेब पे देख लिया, तो मुझे कुछ नई चीजें पता लगी कि केरला ऐसे कर रहा है. और आप किसी पर्टिकुलर जिले आगरा के डीएम से बात कर रहे हो, हमारे भीलवाड़ा के, तो वी गेट डेली इनसाइट्स. अच्छा, ये ऐसा माध्यम है, टेलीफोन पे होता है, राह चलते गाड़ी में ट्रेवल करते, यू नो, यू कैन सी. सो इट इज वेरी इजी टू एक्सेस. आई मीन आई डोंट हैव टू, यू नो, हैव अ फोन कॉन्वर्सेशन विद यू टू नो कि आपने केरला चीफ सेक्रेटरी से क्या बात करी. इट्स ऑलवेज अवेलेबल. और आपने पिछले 10-12 साल से, मैं तो देख रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा काम किया है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन को आपने डिजिटली डिसमिनेट किया है. और आई थिंक बहुत सारे लोगों को आपने मोटिवेट भी किया है कि क्योंकि उनके जो अच्छे काम है उसको हाईलाइट किया है. स्पेशली आई थिंक यू हैव डन वेरी वेल ऑन ई गवर्नेंस पार्ट, ई हेल्थ. चूंकि मैं हेल्थ में कभी रहा नहीं, इसलिए मैंने बहुत ध्यान से आपका ट्रैक नहीं किया, आपकी ट्रेजेक्ट्री को. बट ई गवर्नेंस में चूंकि मैं आई टी सेक्रेटरी रहा था, इसलिए मैंने ट्रैक किया है. उसमें आपने बहुत शानदार काम किया है. एंड आई थिंक यू नो यू हैव बीन अ ग्रेट facilitator for letting everyone know, especially in the public sector domain, what is happening elsewhere, what are the best practices, jisko knowledge management kehte hain, ki ek ki knowledge dusra share kare, usme I think you are a pioneer and I want to congratulate you on that and please keep doing the good work. Thank you so much. And in fact, you have been an inspiration. I have been watching you since your सेक्रेटरी आई टी डेज, आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आप बहुत जब यू है यंगर, यू लाइक यू आर इन द आईटी डिपार्टमेंट, वन सम ऑन टाइम. ओह, आई एम स्टिल यंग, आई एम नॉट ओल्ड. सो लेट मी एंड दिस हियर एंड लेट मी इनवाइट माय कलीग कार्तिक टू गिव अ कंक्लूडिंग रिमार्क्स हियर. कार्तिक, कैन बी हैव यू ऑनलाइन प्लीज? या, thank you sir, and I thank it was a very insightful discussion for all of us and the audience. There are a lot of questions by audience, and we know there's a paucity of time, so we will share these questions with you, sir. Sure. And if possible, if you get some time, then please answer some of the these questions if possible for you. And thank you so much, sir. And Dr. Ravi Gupta, thank you for the moderation. And I hope that through this discussion, because this discussion will be there on Facebook and it will be also on YouTube in some hours. So people will learn a lot, and there are some good practices by Rajasthan government. And hopefully people in other states also learn and get inspired with the ideas and the execution being done by Mr. Rohit Kumar Singh, Additional Chief Secretary, Medical and Health, Government of Rajasthan. Thank you so much, sir. On behalf of Vilesh and all the audience, you spared time for us. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you. Namaskar, sir.